हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आई है आपके लिए। कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम टिश्यू प्रोसेसिंग पर वीडियो बनाइए, टिश्यू प्रोसेसिंग पर वीडियो बनाइए। तो आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड्स पे मैं आज का जो टॉपिक है वो लेके आई हूँ, टिश्यू प्रोसेसिंग। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इसमें हेल्प मिल सके और एग्ज़ाम में अच्छी तरह से वो इसको एक्सप्लेन कर सकें। तो टिश्यू प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ कि इसमें हम क्या करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी और हिस्टोलॉजी दो वर्ड्स होते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग हिस्टोपैथोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो हिस्टोलॉजी में क्या होता है, हिस्टो और लॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। हिस्टोलॉजी मीन्स जिसमें हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, एंड जो दूसरा वर्ड है वो है हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब टिश्यू में किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट है, कोई डिजीज है, तो उसकी जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, तो टिश्यू प्रोसेसिंग के अंतर्गत हम क्या करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे कि बॉडी में किसी तरह का कोई ऑर्गन है, कोई टिश्यू है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। तो टिश्यू प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हम इसमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले टिश्यू प्रोसेसिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल। जब भी हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी में कोई सैंपल आता है लैब से, ओटी से, तो इसको तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, सिजेरियन होते हैं, वो बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी और ऑटोप्सी आपको पता ही होगा क्या होती है। बायोप्सी का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जीवित शरीर से कोई बॉडी पार्ट को बाहर निकालना, ठीक है, डायग्नोस करने के लिए, वो होता है बायोप्सी। और ऑटोप्सी होता है डेड बॉडी से उस ऑर्गन को डायग्नोस करने के लिए बाहर निकालना सिजेरियन के थ्रू, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑटोप्सी। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड आइडेंटिफिकेशन। सैंपल लिया हमने और उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसकी रिसिप्ट लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लेबलिंग, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है फिक्सेशन। हम इन सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इनके पॉइंट्स बता देती हूँ, टिश्यू प्रोसेसिंग में ये पॉइंट्स या ये स्टेप्स यूज आते हैं। फिक्सेशन हो गया, इसके बाद होगा डीकैल्सिफिकेशन एंड डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेगनेशन, एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग। नाइन नंबर है सेक्शन कटिंग एंड रूटीन स्टेनिंग। इसके बाद आता है माउंटिंग। ये इसके स्टेप्स हैं जो हम क्या करते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। जैसा कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा होगा कि इसमें हम मेन क्या करते हैं, इन स्टेप्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिसिप्ट एंड आइडेंटिफिकेशन। रिसिप्ट एंड आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, एक फॉर्म आएगा फिल हुआ, उस पर क्या होगी, पूरी डिटेल होगी पेशेंट की, कि उसकी हिस्ट्री और पेशेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, उसकी डेट वगैरह सब कुछ होगा उसमें, और उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी होगी। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइट ऑफ ओरिजिन, मतलब किस ऑर्गन से या किस साइट से उस टिश्यू को लिया गया, कौन सा टिश्यू है, किसका टिश्यू, जैसे लंग्स का है, किडनी का है, या फिर यूट्रस का है, किसी भी साइट का कौन सा ऑर्गन लिया गया, उस पर सारी इसकी डिस्क्रिमिनेशन होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। जो सैंपल आया है उसको लेबलिंग करेंगे, ठीक है, उस पे पेशेंट्स का नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखना है, लैब नंबर लिखना, ये सारे। तो लेबलिंग करते टाइम हमें क्या करना चाहिए, इन जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। लेबलिंग शुड बी इनसॉल्युबल, ऐसी होनी चाहिए, परमानेंट मार्कर से लिखी होनी चाहिए, कि सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, मिटनी नहीं चाहिए। एंड लेबलिंग शुड नॉट बी पेनिट्रेट, लेबलिंग शुड नॉट कंटामिनेट, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कंटामिनेट हो, ठीक है, इससे क्या हो सकता है कि जो सैंपल हमने लिया वो भी कंटामिनेट होगा और हमारे रीडिंग्स हैं या फिर जो भी हमारे एग्जामिनेशन करेंगे उसमें क्या होंगे, फॉल्स आने के चांसेस
रहेंगे। नेक्स्ट है लेबलिंग शुड बी नॉट रिएक्ट एंड लेबलिंग शुड क्लियर एंड आइडेंटिफाइबल। ऐसी होनी चाहिए कि उसमें क्या हो कि पेशेंट का नेम वगैरह है वो क्लियर होना चाहिए और आइडेंटिफाइबल होना, मतलब उसको पहचान में आना चाहिए कि हमने उस पर किस तरह से लेबलिंग की है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाइबल किया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिक्सेशन। फिक्सेशन के एम क्या होता है कि प्रिवेंट्स प्यूट्रिफिकेशन एंड ऑटोलाइसिस। जैसे ही बॉडी से कोई ऑर्गन बाहर निकलता है तो अपनी खुद ही के एंजाइम की वजह से वो क्या होने लग जाता है, ऑटोलाइसिस होने लग जाता है, मतलब उसमें नष्ट होने लग जाता है। तो उस चीज को क्या करता है, फिक्सेटिव रोकता है। एंड प्यूट्रिफिकेशन मतलब जिस अवस्था में है सैंपल उसी अवस्था में उसको रखता है, उसको सड़ने गलने से रोकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज द ऑप्टिकल डेंसिटी। जो अच्छा फिक्सेटिव होता है वो क्या करता है, किसी भी सैंपल की ऑप्टिकल डेंसिटी उसको इंक्रीज करता है। मतलब ऐसा फिक्सेटिव नहीं होता है जिससे क्या होता है उसकी जो पारदर्शिता है, उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्ट एज मॉर्डेंट। मॉर्डेंट की तरह काम करता है। मॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डाई की तरह। जो फिक्सेटिव होता है वो एक तरह के डाई की तरह भी वर्क करता है। नेक्स्ट है हार्डनेस द टिश्यू। टिश्यू को क्या करता है, वो हार्डनेस करता है ताकि सेक्शन कटिंग उसकी आसानी से की जा सके। अब जो मेन इसमें थिंग है वो है कि इसमें जो फिक्सेटिव यूज लेते हैं हम, वो कौन सा होता है, 10% फॉर्मेनिल। ये चीज आपको याद रखने की है कि इसमें हम 10% फॉर्मेनिल फिक्सेटिव के रूप में यूज लेते हैं। नेक्स्ट है हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फिक्सेशन। फिक्सेशन होता है उसके क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसा कि आपको एक फ्लो चार्ट है उसमें दिख रहा है कि चीप एंड इजीली अवेलेबल, ऐसा फिक्सेटिव होना चाहिए जो क्या हो, चीप हो और आसानी से अवेलेबल हो। नेक्स्ट सर्वल एंड सेफ एंड हैंडल, मतलब ऐसा होना चाहिए जो आसानी से हम क्या कर सके, उसको हैंडल कर सके, सेफ होना चाहिए। शुड कॉज मिनिमम लॉस ऑफ टिश्यू, ऐसा होना चाहिए फिक्सेटिव जो टिश्यू को कम से कम उसको नुकसान पहुंचाए। एंड रिटेन द कलर ऑफ टिश्यू, टिश्यू के कलर को फेड नहीं करे, जैसा टिश्यू है जिस कलर का वो उसी में रहना चाहिए, ऐसा फिक्सेटिव यूज होना चाहिए। नेक्स्ट शुड गिव इवन पेनिट्रेट, मतलब ऐसा फिक्सेटिव होना चाहिए है जो टिश्यू में समान रूप से पेनिट्रेट हो। एंड शुड कॉज अ फिक्सेटिव क्विकली, और आसानी से क्या हो सके उसमें फिक्सेटिव हो सके। ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा फिक्सेटिव कितने टाइप्स के होते हैं मैं उनकी आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें जरूर देखना जाके। नेक्स्ट आता है डीकैल्शिफिकेशन। डीकैल्शिफिकेशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम स्पेसिमेन, ठीक है। जो भी स्पेसिमेन, जो भी सैंपल है उसमें जो बोनी पार्ट है उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, डीकैल्शिफिकेशन कहलाता है। डीकैल्शिफिकेशन में हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली नाइट्रिक एसिड यूज लिया जाता है। इसके अलावा और भी इसमें कुछ दे रखे हैं मैंने आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है। ये क्या है, सारे डीकैल्शिफिकेशन एजेंट है। इसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है टिश्यू से हाइड्रोजन मतलब वाटर को रिमूव करना, ठीक है। अब किस तरह से रिमूव करते हैं, इसको हम करते हैं बाय पासिंग द टिश्यू थ्रू इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ डिहाइड्रेशन एजेंट। डिहाइड्रेशन एजेंट की जो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन है उसके थ्रू हम उस स्पेसिमेन है या उस टिश्यू को क्या करते हैं, पास आउट करते हैं, और इस तरह से उसमें से क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, या हम कह सकते हैं वाटर बाहर निकलता है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम मेनली इथाइल अल्कोहल यूज में लेते हैं। इसके अलावा एसीटोन, आइसोप्रोपाइल और डाइक्सोइन भी होता है, लेकिन मेनली डिहाइड्रेशन एजेंट के रूप में हम क्या लेते हैं, इथाइल अल्कोहल यूज लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30% में रखते हैं, 30% अल्कोहल में, उसके बाद 50 में, फिर 70 में, फिर 90 में, और फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल में। इस तरह से क्या होता है कि टिश्यू से वाटर बाहर निकल जाता है और टिश्यू के अंदर क्या आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है, ठीक है। ये होता है डिहाइड्रेशन मेथड। नेक्स्ट आता है क्लियरिंग, मतलब टिश्यू के अंदर क्या आ गया, अल्कोहल आ गया। अब अल्कोहल को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लियरिंग एजेंट यूज में लेते हैं, और वो क्लियरिंग एजेंट क्या होता है, मेनली जाइलिन यूज करते हैं।
कि ऐसा क्लियरिंग एजेंट यूज में लेते हैं कि अब जो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे एम्बेडिंग की, तो उसमें हम क्या करते हैं, वैक्स इसमें फिल करते हैं टिश्यू के अंदर। तो ऐसा एजेंट यूज करते हैं जो क्या होता है, वैक्स में डिजोल्व होना चाहिए। एल्कोहल क्या होता है कि एल्कोहल वैक्स में डिजोल्व नहीं होता है, तो इसलिए टिश्यू से एल्कोहल को निकालना जरूरी होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लियरिंग की जाती है। नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्रिग्नेशन। इम्प्रिग्नेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ही इसमें हमने क्या किया, एल्कोहल बाहर निकाला और ज़ाइलीन को हमने क्या करा, इसमें क्लियरिंग एजेंट के रूप में यूज लिया, तो इसमें क्या होता है, टिश्यू में कुछ पोर हो जाते हैं, कुछ छेद होते हैं, ठीक है। इससे टिश्यू क्या होता है, एक लचीला हो जाता है, हार्ड नहीं रहता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वैक्स फिल करते हैं। वैक्स फिल करने का पर्पज क्या होता है कि उस टिश्यू को हार्डनेस प्रोवाइड करना, ताकि उसके सेक्शन कटिंग के दौरान आसानी से उसकी सेक्शन कटिंग की जा सके। तो हमारा पॉइंट यही है, एम्प्टी स्पेस इन टिश्यू एंड सेल्स आफ्टर रिमूवल ऑफ क्लियरिंग एजेंट आर टेकन बाय मोल्टन वैक्स, ठीक है। क्लियरिंग एजेंट करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो एम्प्टी स्पेस होते हैं टिश्यू में, उनको मोल्टन वैक्स से क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रिग्नेशन। इसमें इम्प्रिग्नेशन के हम क्या यूज करते हैं, वैक्स यूज करते हैं, और उस वैक्स का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 54 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है टेम्परेचर मोल्टिंग वैक्स का। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग। एम्बेडिंग और ब्लॉकिंग में हम क्या करते हैं, इन द एम्बेडिंग प्रोसेस द टिश्यू इज सराउंडेड इन अ मोल्टन मीडियम बाय यूजिंग अ मोल्ड। दिस मीडियम आइसोफिल्ड टू मेक अ ब्लॉक फॉर कटिंग द सेक्शन ऑफ टिश्यू। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मोल्टन मीडियम है, उसमें हम क्या करते हैं कि एल शेप का एक मोल्ड यूज करते हैं, जिसको ल्यूकोट्स मोल्ड बोलते हैं। उसमें स्पेसिमेन को प्लेस करते हैं, उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, मोल्टन वैक्स फिल करते हैं। इसके बाद वो क्या बन जाता है, एक ब्लॉक बन जाता है। उस ब्लॉक को हम क्या करते हैं, रोटरी जो माइक्रोटॉम्स होते हैं उसमें कट करते हैं, और उसके बाद उसका स्पेसिमेन लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स के मोल्ड भी इसमें यूज कर सकते हैं, ग्लास है, वॉच ग्लास है, पेपर बॉल है, ठीक है। पर मेनली जो मोल्ड यूज किए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ल्यूकोट्स मोल्ड ही यूज में लिए जाते हैं। जिस तरह से कि आपको इस फिगर के थ्रू भी मैं ये तीन प्रोसेस है उसको समझाने की कोशिश करूंगी, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और एम्बेडिंग। डिहाइड्रेशन में मैंने बताया था पहले किस तरह से करते हैं, 50%, 70%, 90% और एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसमें आर दे रखा है, इतने इतने आर तक हम इसको प्लेस करते हैं, रखते हैं। इसके बाद क्लियरिंग जो करते हैं, जो किससे करते हैं, जाइलिन से करते हैं, ठीक है। 1-1 आर तक हमने जाइलिन में उसको क्लियरिंग किया, ठीक है, टू रिमूव द अल्कोहल। इसके बाद एम्बेडिंग करते हैं, एम्बेडिंग कर सकते हैं किसे, पैराफिन वैक्स यूज लेते हैं, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं इन तीन स्टेप्स को। नेक्स्ट अब हमारा आता है सेक्शन कटिंग, ठीक है। जैसे ही हमने क्या किया कि उसका मोल्ड में हमने ब्लॉक बना लिया वैक्स को डाल करके, ठीक है, फिर उसको हमने कोल्ड किया, इसके बाद एक हमारे पास क्या बन गया, ब्लॉक बन गया। अब उस ब्लॉक को हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोटॉम्स, और जो मेनली जो माइक्रोटॉम्स यूज में आते हैं लैब में वो होते हैं रोटरी माइक्रोटॉम्स। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे स्लाइडिंग है, रोकिंग है, फ्रीजिंग है, ठीक है, बेस लेज है, ये सारे माइक्रोटॉम्स हैं, लेकिन मेनली जो माइक्रोटॉम्स यूज आता है वो क्या होता है, रोटरी माइक्रोटॉम्स होता है। रोटरी माइक्रोटॉम्स इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन दिस द ब्लॉक होल्डर मूव अप एंड डाउन व्हाइल द नाइफ रिमेन फिक्स। टाइम क्या होता है, फिक्स रहता है, और इसमें क्या करते हैं, हम मूव कराते हैं, होल्डर होता है उससे क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसकी जो स्पेसिमेन है, ब्लॉक है, उसमें क्या करते हैं, उसकी स्लाइड कट होती जाती है। इसके पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, एक रोटरी माइक्रोटॉम्स होता है। अब क्या करते हैं कि माइक्रोटॉम्स में से टिश्यू की स्लाइड कट गई, अब उस स्लाइड को हम क्या, उस जो टिश्यू की जो स्लाइड बनी है उसको हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग बाथ में उसको प्लेस करते हैं, ताकि जो उसमें श्रिंक आए हुए हैं या फिर जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा और हमारे पास
क्या आ जाएगा, एक स्पेसिमेन आ जाएगा, उसको हम क्या करेंगे स्लाइड पर ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, ये आपको फिगर में दिख रहा है, ये होता है फ्लोटिंग बाथ। इट इज ए थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल वाटर बाथ विद द इनसाइड कलर्ड ब्लैक। अंदर क्या होता है, ब्लैक कलर का, इनसाइड से ब्लैक कलर होता है और थर्मोस्टेटिकली होता है। एंड इट इज मेंटेन 5 to 6 डिग्री बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स। जो पैराफिन वैक्स है उसके मेल्टिंग पॉइंट से इसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 5 से 6 डिग्री कम होता है। नेक्स्ट आया है मेन स्टेनिंग। अब हमने इसको स्पेसिमेन को किस में ले लिया, स्लाइड पे ले लिया, अब हम क्या करेंगे इसकी स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग में इसमें जो मेन जो स्टेन यूज किया जाता है वो होता है एच एंड ई, हीमोटॉक्सिलिन इओसिन स्टेन इसमें यूज करते हैं। इसकी मैंने प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप दे रखी है किस तरह से इसकी हम क्या करते हैं स्टेनिंग करते हैं। प्रोसीजर में आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, डी पैराफिनाइज्ड जाइलिन, ठीक है, जो इसमें पैराफिन है, पैराफिन वैक्स है, उसको हमें हटाना पड़ेगा किससे, जाइलिन से, ठीक है, जाइलिन में इसको डिप करेंगे। उसके बाद हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने डिहाइड्रेशन में क्या किया था, इंक्रीज ऑर्डर में एल्कोहल में रखा था, उसी तरह से अब हम इसको क्या करेंगे, डिक्रीज ऑर्डर में इसको हमें एल्कोहल में प्लेस करना पड़ेगा। पहले इसको हम 100% एल्कोहल में रखेंगे, फिर 90 में, फिर 70, फिर 50, फिर 30, इस तरह से क्या होगा, इसका हाइड्रेशन हो जाएगा। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि इससे एल्कोहल को रिमूव करेंगे और इसमें वाटर इन्वॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको वॉश अंडर वाटर, पानी के अंदर इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे एंड स्टेन विद हीमोटॉक्सिलिन फॉर 15 मिनट्स, देन वॉश अगेन एंड डिफरेंस विद, नेक्स्ट हमारा स्टेप है क्या है, एसिड एल्कोहल में इसको क्या करेंगे, दोबारा से डिप करेंगे एंड देन अगेन वॉश विद वाटर एंड इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको ईओसिन से स्टेन करेंगे। ईओसिन से स्टेन करने के बाद दोबारा इसको हम क्या करेंगे, वाटर से वॉश करेंगे एंड देन अगेन डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग विद जाइलिन एंड ड्राइट, ठीक है, ये हो गई इसकी स्टेनिंग। स्टेनिंग के बाद इसको हम जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम देखेंगे इसके रिजल्ट में जो न्यूक्लियस है वो कैसे कलर का दिखेगा हमें, ब्लू कलर का, और जो साइटोप्लाज्म है वो कैसे कलर का दिखेगा, पिंक कलर का। इसके बाद अब आती है हमारी नेक्स्ट माउंटिंग। माउंटिंग करने के लिए हम दो मटेरियल यूज करते हैं, एक तो डीपीएक्स होता है और एक कनाडा बालसम, इनको मेनली हम माउंटिंग में यूज करते हैं। माउंटिंग यूज करने के बाद अब ये हमारी स्लाइड है वो क्या हो जाती है, परमानेंट स्लाइड बन जाती है, ठीक है। ये तो हो गया आपका टिश्यू प्रोसेसिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपनी फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके और वो भी अपने एग्जाम में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।